फ्रॉम होम का पूरा इस्तेमाल कर रहा हूँ कि लाइक रात को 3-4 बजे तक सो रहा हूँ। आपको ये थोड़ी हैबिट इम्बाइब करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट एक बार लगेगी ना, बाय गॉड बेस्ट थिंग एवर। चल चल चल। Hey guys, good morning. फिलहाल बज रहे हैं सुबह के 8-9 बजे का ऑफिस है, रेडी होते हैं। कपड़े इग्नोर कर देना क्योंकि मुझे कल ट्रिप पे जाना है, इसलिए मैं सब कपड़े बाहर निकाल के रख दिए। बनाना शेक फिलहाल थिक हो चुका है क्योंकि वीडियो शूट करते करते ओट्स जो है वो फैलते जाते हैं, फूलते जाते हैं, की वजह से थोड़ा थिक हो गया। आज का प्लान सिंपल है, ऑफिस का काम शुरू करना है। अभी अप्रोक्सीमेटली 8:50 हो गए। तो यार ये रहा कुछ ओवरव्यू, थोड़ा बहुत मैं दिखा सकता हूँ क्योंकि मेरे जो ऑफिस का भी काम है वो एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, तो मैं ज्यादा कुछ शेयर नहीं कर सकता, इसलिए दैट्स इट, इसे पूरा कम्प्लीट करना है। तो ये रही हमारी साइट, ये कुछ चीजें हैं जो हम लोग ने डिजाइन की है। ये एक्चुअली पूरी लेक साइट है, तो अब जो भी ये वाली चीज ये यहाँ पे और ये यहाँ पे देख रहे हो वो पूरा लेक है। थोड़े बहुत चेंजेस है स्केचअप में कंप्लीट करके लुमियन में रेंडर करना है, 3D वर्क के बाद उसे रेंडर सॉफ्टवेयर में डालना है। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि यार रेंडरिंग के लिए टाइम लगता है तो आज वीडियो बना लो और आपके साथ एक दिन शेयर कर दूं। सो चलो बाकी काम रैप अप करते, पता नहीं है मैंने क्यों किया। तो बाय द टाइम ये रेंडर होता है तो आई कैन शूट रेस्ट ऑफ द थिंग्स। जुगाड़ उसी जुगाड़ से याद आया, मैं फिलहाल मॉर्निंग पर्सन बनने का ट्राई कर रहा हूँ, बट मैं फिलहाल उठ रहा हूँ सुबह के 8 बजे, वर्क फ्रॉम होम का पूरा इस्तेमाल कर रहा हूँ कि लाइक रात को 3-4 बजे तक सो रहा हूँ। 4 बजे तक नहीं बट 3 तो बज ही जाता है, लाइक काम करते करते, वीडियोस दूसरे एडिट करते करते। ऑल दो मेरी अभी टीम है, छोटी टीम है, जस्ट एडिटर, तो वी स्प्लिट अ वर्क, मोस्ट ऑफ द वर्क तो वही करता है। आई जस्ट डू लाइक सम चेरी ऑन द केक टाइप थोड़ा सा, तो काम डेलीगेट करने की वजह से यार बहुत कुछ अच्छा हुआ है, लाइक एवरीथिंग इज मैनेजेबल राइट नाउ, विच इज अ गुड थिंग। एक तो आर्किटेक्चर भी क्रिएटिव फील्ड है और टेक्निकल भी, ये सारी चीजें करते करते दूसरी क्रिएटिव चीज अगर आप डालते हो तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है सब कुछ मैनेज करना, यहाँ पे लोड पड़ता है और हमारा काम यही से होता है क्योंकि। तो चलो कुछ एडिट्स करते बाद में मिलते हैं। तो बाय द टाइम हमारा रेंडर एडिट होता है, आपको मेरा शेड्यूल दिखाता हूँ। सो एक चीज मेरे सेटअप में आप यहाँ पे देखोगे, हमेशा देखोगे कि ऐसे मैं यहाँ पे स्टिकी नोट्स लगा के रखता हूँ जो कि मेरे सारे आने वाले एक्टिविटीज या फिर आने वाले काम के बारे में बस एक मैं सामने लिख देता हूँ क्योंकि बैक ऑफ द माइंड वो दिमाग में रहे कि भाई ये काम भी करना है। या फिर मैं व्हाइट बोर्ड यूज करता हूँ कभी कभी, पर कैसा होगा ना कि अभी डिस्टेंस थोड़ा बढ़ गया है या फिर मुझे और एक ट्राइपॉड लेना पड़ता इसे रखने के लिए, जो कि मुझे फिलहाल करना नहीं क्योंकि बहुत रूम में ट्राइपॉड हो चुके हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार स्टिकी नोट्स ही लगा देते, जिससे मेरा काम भी आसान हो जाएगा। और या आपको ये थोड़ी हैबिट इम्बाइब करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट एक बार लगेगी ना, बाय गॉड बेस्ट थिंग एवर। 14 को मेरा था शूट लॉन्ग वीडियो, शूट टॉकिंग एड वीडियो, फिर शूट स्क्रिप्ट एडिट। सो ये पूरे वीक का ऑलमोस्ट एक शेड्यूल है जो मुझे ट्रिप को जाने से पहले कंप्लीट करना है। ये कुछ मेरे डेली टास्क और ये थोड़ा ब्लर करना पड़ेगा। तो कैसा ना, अभी मैं लुमियन का काम कर रहा हूँ, हर एक सेट जो रेंडर होता है उस सेट के बाद मेरा लैपटॉप फटने के मोड में आता है। एक सेट होने के बाद मैं बंद करता हूँ और फिर दूसरे जो भी लाइट सॉफ्टवेयर है या फिर यूट्यूब के एनालिटिक्स हो या फिर यूट्यूब के थंबनेल्स बनाने हो, ये छोटे मोटे चीजें जो होते हैं और काफी इंपॉर्टेंट ये चीजें होते हैं वो मैं ट्राई करता हूँ कि बीच बीच में करता रहूँ ताकि मेरा टाइम बचता रहे, और फिर वैसे जुगाड़ कर करके टाइम बचाना पड़ता है। बजे 11 हो चुका है मेरा सेकेंड मील का टाइम, जबकि मैं हर 2 घंटे के बाद ट्राई करता हूँ कि 1 मील के या 7 के बाद मैं कुछ खाना नहीं खाता हूँ, वो मैंने एब्सोल्युटली बंद कर दिया है खाना जो भी है वो 6 से पहले। रैप अप। तो यार अभी सेकंड सेट इज डन, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे कंप्लीट करनी है बाय द टाइम मेरा लैपटॉप ठंडा होगा, लुमियन सॉफ्टवेयर बंद करके, और मेरे बर्थडे के लिए कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज जो मैंने प्लान किए हैं, जो जहाँ पे मैं ट्रिप के लिए जाने वाला हूँ वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज मैंने प्लान किए, उसके टिकट्स बुक करने हैं। ट्रेन के टिकट्स तो पहले ही बुक कर दिए थे बट एडवेंचर एक्टिविटीज के बुक करने हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको पता ही है मैं कहाँ पे गया था, सो मेक श्योर वहाँ पे फॉलो करना लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, क्योंकि वहाँ पे जिस दिन मैं रहता हूँ उस दिन के सारे अपडेट्स मैं डाल देता हूँ स्टोरी पे। सभी थोड़ा काम से ब्रेक लेकर मिनिमाइज कर देंगे स्क्रीन और यूट्यूब पे कुछ देखते देखते
पनीर। बच्चे पीछे खेल रहे हैं बट हम वर्कआउट के बाद उनसे बैटिंग लेंगे। पता है आज मैं जब मैंने लंच का ब्रेक लिया था, मम्मी मुझे कह रही थी कि मुझे यूट्यूब चैनल खोलना है। मैंने कहा वाह ये भी सही है। मैंने पूछा कि लाइक क्या करने वालों, कुछ वॉज लाइक ऐसे ही ब्लॉगिंग सही है। केबल कल हैमर दो हो चुके हैं। लास्ट में क्या ले, लास्ट कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि आज बहुत एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, यूजुअली इतना होता नहीं है। चल 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 अभी वेट चेक करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट परफेक्ट स्टार्टिंग के जो भी स्टेप्स थे वो बहुत हैवी लेना शुरू किए, आगे से इसलिए हम लोग ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं। भाई घंटे का रस पीते हैं, ज़रूरत है। बहुत फ्रेश लग रहा है, एग्जॉस्ट होके थोड़ा फ्रेश लग रहा है। काफ़ी वियर्ड फीलिंग है बट जो भी है वो है। जिम हो गया, अभी प्रोटीन लेते हैं और थोड़ा काम करते हैं। यूजुअली मेरा ऑफिस के बाद जो काम रहता है वो शॉर्ट एडिट करना रहता है। मैं ऑल्टरनेट डेज शॉर्ट्स एडिट करता हूँ, जितना भी दिन भर का एक्टिविटीज है वो सब कंपाइल करके स्क्रिप्ट करके थोड़ा बहुत और वॉइस ओवर और उसके बाद एडिट। प्रेफर करता हूँ कि यार रात को कुछ ज़्यादा खाऊँ नहीं, तो वो सारे प्रैक्टिस जो लाइक इतना भी स्ट्रिक्टली नहीं बट मैं थोड़ा बहुत स्टार्ट कर रहा हूँ कि लाइक आफ्टर सनसेट ज़्यादा कुछ खाना नहीं, जैसे अभी लाइट है बाहर सो आई कैन हैव समथिंग। बट उसके बाद आई ट्राई टू हैव ओनली पानी, कभी कभी बनाना शेक हो जाता है तो क्योंकि आजकल गर्मी बढ़ गई है तो मैं प्रेफर करता हूँ कि सुबह बनाना शेक लूँ। ट्रिप से पहले मुझे शायद लगता है थोड़े बाल कट करने की जरूरत नहीं है बट सिर्फ ट्रिम करने की जरूरत है। तो जैसे अभी एडिट करने से पहले मैं आपको एक इनसाइट दे देता हूँ, ये ऐसे कुछ मीरो बोर्ड पे हम लोग ने प्लान्स बनाए, हम लोग के जो आइडियाज रहते हैं वो हम लोग यहाँ पे जॉट डाउन करते हैं। दीज आर द स्क्रिप्ट्स जो मैं अभी फिलहाल बना रहा हूँ और ये सारे कंटेंट आइडियाज कब रिलीज होना है ये जो आइडियाज मैंने यहाँ पे सब लिख लिए हैं। उससे होता है ये है कि मुझे अपने काम के बारे में ज्यादा फोकस ईज होता है रादर देन थिंकिंग अबाउट इनिशियल थिंग्स, जैसे टॉपिक्स हो गए। तो अभी कैसे है सारे टॉपिक्स रेडी है तो आई कैन गो डीप into it and write the whole script about it. For example, जैसे अभी dark side of architecture or else how I manage my weekend, career advice, navigating job interviews and advancing your professional growth. So ऐसे कुछ मैंने topics लिख लिए हैं तो उस topic को लेकर मैं dig in कर सकता हूँ और भी उसके depth में जा सकता हूँ। तो that's update. अभी करते काम, शाम को मैं अभी ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर पाऊंगा, अभी वैसे भी जिम के बाद मैं ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, थोड़ा बहुत फ्रेश लग रहा है बट स्टिल वो फटिकनेस है। ये मुझे थोड़ा बहुत आपको दिखाना था कि कैसे मैं प्लान करता हूँ या यू नो कैसे मैं स्क्रिप्ट करता हूँ। स्क्रिप्टिंग मुझे करना है, उसके बाद एडिट करना है, बहुत कुछ चल रहा है। तो यस लेट्स रैप अप दिस वीडियो, मिलते कल, तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय।